सर मेरा नाम ईसब है, गांव चुलहरा का रहने वाला हूँ। तहसील मेरा डीग है, जिला भरतपुर है। मेरे पेट में दर्द होता था कभी कभी, तो मैंने वहाँ गांव के डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर पे चेकअप वेकअप कराए गांव के पे, तो उसने पथरी बताई पित्त की थैली में। तो मैंने कहा मैं तो जयपुर जाऊंगा जी। तो मैं जयपुर पहुंचा रोंगटा हॉस्पिटल में। तो मैं रोंगटा हॉस्पिटल में पहुंचा, डॉक्टर अमित बैंगनी बेंगानी के पास पहुंचा साहब। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया अच्छे से, और बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं दुर्बीन द्वारा। दुर्बीन द्वारा ऑपरेशन किया, मेरे 4 जगह ऑपरेशन किया, पित्त की जगह पर, पित्त की थैली में। और तो अच्छा ऑपरेशन किया, मेरे को कोई भी परेशानी नहीं हुई, एकदम मेरा कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारा कुछ मेरे निकल गया और मैं बिल्कुल बिल्कुल सही हूँ एकदम। आपको सलाह देता हूँ कि मैं आपको सलाह देता हूँ कि कोई भी औरत हो या मर्द हो, पेट के संबंध में डॉक्टर अमित अमित बेगानी पे ही ऑपरेशन कराएं जी। अच्छा है, मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हो। हाँ भैया, हमने वहाँ भी इलाज कराया था इसका, तो वहाँ दर्द हुआ था। हम ये सब नाम है मेरा हस्बैंड का, तो उनसे वहाँ फर्क नहीं मिला। फिर हम जयपुर आए, जयपुर में आके फिर हमने इलाज कराया, तो अमित बेंगानी ने उनका ऑपरेशन किया है। 4-5 महीने उसमें बहुत परेशान थे हम, तो फिर यहाँ आके ऑपरेशन हो गया दुर्बीन द्वारे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित बेंगानी जैन, मैं सीनियर कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन रोंगटा हॉस्पिटल में हूँ। ये पेशेंट मिस्टर ईशव जो कि भरतपुर से हैं, इनको कई महीनों से ऑन एंड ऑफ पेन एब्डोमेन था, पेट दर्द और डिस्पेप्टिक सिम्टम्स, उल्टियाँ वगैरह, भूख ठीक से नहीं लग रही थी, खाना भी ठीक से पच नहीं रहा था, बड़े परेशान थे ये बेसिकली। तो इन्होंने वहाँ दिखाया, दवाइयाँ वगैरह ली, कुछ आराम नहीं आया। फिर वापस दिखाया तो जांच की, तो सोनोग्राफी में बताया कि पित्त की थैली में पथरी है, जो कि एक कॉमन डिजीज है। पित्त की थैली में पथरी होना तो एक आम बात है आजकल, पर इनके क्या है, वो पथरी आके गर्द गॉल ब्लैडर के गर्दन नेक पे फंस गई थी, अटक गई थी। और इन्हों कुछ दिनों से इनको बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लग गया और बुखार भी आ रहा था। तो ये वहाँ से मेरे पास आए जयपुर में रोंगटा हॉस्पिटल में, और मैंने इनको एग्जामिन किया तो एक्यूट कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस की पिक्चर थी इनको, टिपिकल पेन था इनको। और इनके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में इनके WBC काउंट्स भी 22,000 के आसपास थे, 22,000। और फीवर भी था इनको, फीवर बुखार भी आ रहा था। हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया इनको और एक दिन ऑप्टिमाइज किया पेशेंट को। अब मैं आपको, हमने दूरबीन से ही ऑपरेशन किया है, और मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँ कि गॉलब्लैडर ह्यूज, बहुत ही बड़ा गॉलब्लैडर था, आप माने एक हाथ के बराबर जितना गॉलब्लैडर था, और बहुत ही मोटा, थिक वॉल्ड, डिस्टेंडेड, ह्यूज गॉलब्लैडर, जिसमें स्टोन एकदम नेक में इम्पैक्टेड होके पूरी तरह से चिपका हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना, पूरा सड़ गया था एकदम, मतलब पस भरा हुआ था, एम्पायमा जैसी पिक्चर थी, डेंस एडहेशंस थे। सर्जरी करने में काफ़ी टाइम लगा, पर हम लैप्रोस्कोपिकली वी डिड इट वेरी नाइसली एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। और आज पेशेंट को 24 घंटे ही हुए हैं ऑपरेशन पे, और ही इज़ फिट एंड फाइन, मूविंग अराउंड, ओरली अलाउड, पेशेंट खाना लिक्विड ले रहा है, सॉफ्ट डाइट भी ले रहा है, फ्लेटस मोशन पास कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, कंफर्टेबल है, वाइटल स्टेबल है, नो फीवर। तो यही खासियत है दूरबीन द्वारा, एक्यूट कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस हो या क्रॉनिक हो, जिसमें हम दूरबीन द्वारा, यही फायदा है कि आपको रिकवरी इतनी फास्ट है, पेनलेस है, ब्लड लॉस भी मिनिमम है, हॉस्पिटल स्टे भी कम से कम है, और इन वन ओवर एंड अबव कॉस्ट इफेक्टिव भी है। वो हम एक एंगल से देखें तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। वो एंगल ये है कि आज हम, अगर हम अभी, पेशेंट जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा तो अपने काम पे वापस लग जाएगा, तो ये इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बताता है। तो ऐसे कोई भी सर्जरीज हो दूरबीन द्वारा, पेट के गॉलब्लैडर है, हर्नियाज है, अपेंडिक्स है, यूट्रस रिमूवल है, कोई भी सिस्ट है, कोई भी आपको अगर लैप्रोस्कोपी संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, तो यू कैन
फील फ्री टू मीट मी एट रूंगटा हॉस्पिटल, डॉक्टर अमित बिंगानी। थैंक यू सो मच।